Hi guys, welcome your favorite YouTube channel, Special Care on Self. Friends, this is Shirsha. Friends, आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ रिंकल के लिए. Friends, बोला जाता है precaution is better than cure. Friends, आप पहले से ही आपको चेहरे का रिंकल ना आए इसके लिए प्रोटेक्शन लेंगे तो फिर सबसे बेहतर रहेगा, है ना? तो फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा करना है ताकि आपका रिंकल आए भी तो लेट से आए. उम्र तो हर कोई का बढ़ता है फ्रेंड्स, तो रिंकल भी आएगा ही, पर वो जब तक ना आए तब तक ही बेहतर है. तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ आपको करना चाहिए ताकि आपका फेस में रिंकल ना आए. फ्रेंड्स देखा जाता है फ्रेंड्स हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं अपने फेस के साथ जिसके वजह से रिंकल जल्दी से आ जाता है. तो पहले मैं वो बताऊँगी जो सब आपको करना नहीं है, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. ऐसे के फ्रेंड्स हम लोग जब फेस में फेस पैक लगाते हैं तब फेस पैक को हर वक्त आफर स्टॉप देके ही आपको फेस पैक अप्लाई करना है. मैं जब भी फेस पैक अप्लाई करने को बोलती हूँ तब ये बात बोल देती हूँ. आप नीचे खींच के आप फेस पैक को अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपके फेस में रिंकल छोड़ेगा. तो हर वक्त आपको फेस पैक को नीचे से ऊपर की तरफ खींच के अप्लाई करना. और एक बात है फ्रेंड्स, हम लोग चेहरे को जब धोते हैं और धोने के बाद जब पोंछते हैं तब कोई कोई अपने फेस के साथ बहुत नाइंसाफी करता है. जैसे फ्रेंड्स आपको चेहरे को जब पोंछना है तब आपको अपने टॉवल को डैप करके ऐसे धीरे धीरे से पोंछना है. जैसे कि मेरे पास रुमाल है, आप रुमाल से जब अपने पसीना को पोंछते हैं या आप फेस धोने के बाद जब फेस को धोते हैं टॉवल से तब भी आपको ऐसे डैप डैप करके अपने फेस को पोंछना है. कोई देखा जाता है ऐसे पूछते हैं जो जोर जोर से मन मन के पूछते हैं, इससे भी फ्रेंड्स आपको रिंकल आ सकता है. तो ये ध्यान पे रखना है. सेकंड फ्रेंड्स, आप कैसे सोते हैं, यानी सोने के टाइम में आप कैसे लेट के सो रहे हैं. आप कोशिश कीजिए जब आप सो रहे हैं तब सीधे चेयर को रख के सोया कीजिए. ऐसा जो स्लीपिंग होता है, जो टाइम होता है वो कम से कम 6 से 8 घंटा का लॉन्ग टाइम होता है. तो तब तक आपका फेस ऐसे ऐसे बना रहेगा. तो आप सोच सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल की तरह. ऐसे आप पेट में फिर सो गए, ये जो आया यहाँ पे देखिए एक रिंकल आ जाएगा. आप बहुत टाइम तक ऐसे ही सोए रहेंगे तो ये रिंकल आ जाएगा. पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप एकदम 6 से 8 घंटा आप पूरा सीधा सोएंगे तो वो नहीं हो पाएगा. हर कोई को कोई नहीं कर पाएगा ऐसा सोएगा नहीं. जिनको हैबिट नहीं है वो तो सो ही नहीं पाएगा. और ऐसा सोना भी नहीं चाहिए. आप इधर उधर घूम घूम के सोते हैं तो वही सही है. और सुबह जब मॉर्निंग में आप उठते हैं उससे पहले आपको कम से कम आधा घंटा बिस्तर में, आधा से एक घंटा बिस्तर में ऐसे सीधे बैठ के सोना चाहिए. इससे फिर क्या होता है, फिर रात को हम लोग जैसे भी पलटे हैं सोने के टाइम वो फिर धीरे 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 फेस में पूरा जो भी स्किन जहाँ पे था वो वहीं पे आ जाता है, तो रिंकल नहीं आता है. और एक बात है फ्रेंड्स, सन का जो रे होता है उससे भी रिंकल आता है. तो बाहर जाने के टाइम आपको हर वक्त धूप के जाने से पहले आपको सन ग्लास यूज करना है. आपको भी इस साइड में जो रिंकल आता है वो ज़्यादातर धूप से आता है, तो आपको सनग्लास यूज करना चाहिए इसके लिए. और एक बात है फ्रेंड्स, रिंकल बहुत किस्म का होता है. जिनको ड्राई स्किन है उनके चेहरे पे ज़्यादातर एकदम जो एकदम थिन लाइन है ऐसा रिंकल आता है. और जिनको ऑयली स्किन है उनको बहुत देर से रिंकल आता है, पर वो बहुत डीपली रिंकल होता है, थोड़ा चौड़ा टाइप का दिखता है, मोटा जिसको बोला जाए कि थोड़ा चौड़ा टाइप का रिंकल देखा जाता है. तो फ्रेंड्स हर कोई को रिंकल आ सकता है, हर कोई को आता भी है. एज बढ़ने के साथ साथ हर कोई को रिंकल आता है, पर उससे पहले आपको रिंकल ना आए ये सब करना चाहिए. अभी अभी मैं जो भी बोली हूँ वो सब ध्यान में रखेंगे तो फ्रेंड्स आपका रिंकल देर से आएगा. अभी मैं बोलने जा रही हूँ फ्रेंड्स और क्या क्या यूज़ करने से फ्रेंड्स आपका रिंकल देरी से आएगा या आपका रिंकल आ गया है तो फिर रिमूव होगा. फ्रेंड्स विटामिन ई फ्रेंड्स हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल के लिए तो और भी अच्छा है. एज बढ़ने के साथ साथ हम लोग के बॉडी में विटामिन ई का कमियाँ देखा जा सकता है. तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए विटामिन ई जिस फूड में है उसको खाने के लिए, या विटामिन ई जो कैप्सूल आता है वो भी आप खा सकते हैं, पर वो आप डॉक्टर के साथ सलाह कर लीजिए, उसके बाद ही खाइए मैं बोलूँगी. क्योंकि फ्रेंड्स
डॉक्टर ही आपको देख के फिर आपको विटामिन ई खाना चाहिए क्या नहीं वो सही से आपको खाई देंगे। फ्रेंड्स, आप विटामिन का कैप्सूल नहीं लेते हैं तो आप विटामिन ई जिसमें भरपूर मात्रा में है ऐसा फूड खाया है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक में विटामिन ई बहुत मात्रा में है और आप वेजिटेरियन हैं तो फ्रेंड्स आप विटामिन ई की जगह एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा का जो पौधा आता है उसका जो पत्ता आता है उसको डायरेक्ट आप लेके खा सकते हैं। डायरेक्ट यानी फ्रेंड्स पौधे का जो एलोवेरा का जो लीव आता है उसके अंदर जो जेल है उसको ही आपको खाना है। बॉडी में जो विटामिन ई का कमियाँ रहता है वो फुलफिल हो जाता है। ऐसा बहुत सारे फूड है फ्रेंड्स जिसमें विटामिन ई है रोज की डाइट में लगता है। और एक बात है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा पानी पीना है। पानी कम पीने से फ्रेंड्स हम लोगों का बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने की वजह से स्किन ड्राई हो जाता है और स्किन में रिंकल आ सकता है। फ्रेंड्स, आपको हर रोज बहुत सारा पानी पीना है। फ्रेंड्स, धूप में जाने की वजह से फेस में रिंकल आ सकता है तो फ्रेंड्स याद रखिए धूप में जाने से पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। सनस्क्रीन मस्ट आपको अप्लाई करके धूप में जाना है। और है फ्रेंड्स मॉइस्चर, आपकी स्किन में मॉइस्चर का इम्बैलेंस होगा तो फ्रेंड्स आपका स्किन में रिंकल आ सकता है। तो फ्रेंड्स हर रोज रेगुलर आप अपनी स्किन को मॉइस्चर कीजिए यानी आप अपने फेस में मॉइस्चर को अप्लाई की दीजिए तो आपके फेस में रिंकल आएगा भी तो लेट से आएगा। याद रखिए हर रोज मॉइस्चर यूज करना है। फ्रेंड्स, सारा दिन हम जो भी अपने फेस में इस्तेमाल करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स आप बेड टाइम में कौन सा मॉइस्चर यूज करते हैं। रात को फ्रेंड्स बेड टाइम से पहले आपको अच्छे से अपने फेस को धो लेना है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चर या आप आमंड ऑयल अपने फेस में लगा के या ऑलिव ऑयल अपने फेस में लगा के सो जाइए। ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स रिंकल को रिमूव करने के लिए भी और इसको यूज करने से फ्रेंड्स रिंकल तेजी से आता है। तो आप सोचें आपका स्किन ऑयली है तो आप कैसे ऑयल यानी आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज करेंगे वो आपके फेस में सूट होगा क्या नहीं। तो फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम, आप एलोवेरा जेल को भी लगा के सो सकते हैं या आप जो मॉइस्चर यूज करते हैं ऑयल क्रीम वाला जो मॉइस्चर यूज करते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा रीजन है फ्रेंड्स रिंकल आने का, उससे बचने का भी मैं उपाय बोल दूंगी। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जब बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, हर रोज मेकअप जब हम लोग करते हैं तब हम लोगों के फेस में जल्दी से रिंकल आ जाता है क्योंकि फेस फ्रेंड्स ड्राई हो जाता है। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए आपको जब भी कोई मेकअप करना पड़ता है उससे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद टोनिंग कीजिए। टोनिंग करने के बाद मॉइस्चर जरूर अप्लाई कीजिए। ये तीनों स्टेप करने के बाद ही आप मेकअप कीजिए तो फ्रेंड्स रिंकल आपका देर से आएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और एक बात आता है आपके फेस में रिंकल आने का और एक बड़ा सा रीजन रहता है वो है मेकअप रिमूव। आप जब ठीक से नहीं करते तब भी आपके फेस में रिंकल आ सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स हम लोग मेकअप करने के बाद जब रिटर्न रूम के बाहर से घर पे रिटर्न आते हैं तब टायर्ड हो जाते हैं और सोचते हैं चलिए छोड़ देते हैं मेकअप को नहीं रिमूव करके सो जाते हैं। पर फ्रेंड्स ये बहुत ही डेंजरस है, इसको कभी भी मत कीजिए। जो भी हो जैसे भी हो आपको मेकअप को रिमूव करने के बाद ही सोना चाहिए। मेकअप रिमूव कर लीजिए और उसके बाद मॉइस्चर अप्लाई कीजिए या कोई भी ऑयल जैसे कि मैंने बोला है आमंड ऑयल ऑलिव ऑयल ऐसा कोई भी ऑयल आप अप्लाई करने के बाद ही बिस्तर में जाइए। फ्रेंड्स और एक बात है जब हम लोग डाइटिंग करते हैं यानी वेट लॉस करने के लिए कुछ लेते हैं तब भी रिंकल आ सकता है। यानी बहुत ज़्यादा वेट लॉस जब हो जाता है फेस का फैट जब लॉस हो जाता है तब भी रिंकल आ सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम में जब आप वेट को लॉस करने के प्रोसेसिंग में हैं जब आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तब आपको हर वक्त अपने फेस को नरिशिंग करना है यानी आपके फेस में ऑयल ना हो तो आपको हर वक्त ऑयल या मॉइस्चर अपने फेस में लगाना चाहिए। और फिर बहुत ज़्यादा मसाज करने के वजह से भी फिर अपने आपका फेस लूज हो सकता है और रिंकल भी आ सकता है। तो फिर हर वक्त बहुत ज़्यादा मसाज मत कीजिए। आप फेस में मसाज करना चाहते हैं तो उससे फिर आपका फेस में ग्लो आता है। तो कोई भी आप फेस का मसाज लेना चाहते हैं तो महीने में एक से दो यानी 1 to 2 times
मसाज आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग फेशियल करने के टाइम मसाज लेते हैं, उस मसाज को आप महीने में एक से दो टाइम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करने से फिर हम लोग का स्किन लूज हो सकता है, उसके साथ रिंकल भी आ सकता है। अभी फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स इंग्रेडिएंट्स बोलने जा रही हूँ जिसको लगाने से आपके फेस का रिंकल रिमूव हो सकता है और आप रिंकल को अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एग व्हाइट या एग व्हाइट, जो भी आपकी स्किन में सूट करता हो उसको आप हफ्ते में एक दिन यूज कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आपका स्किन टाइटन बनता है, आपका स्किन में जो रिंकल है वो भी कम होता है। और एक है फ्रेंड्स मेथी। मेथी को आप पैक बना के आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी फ्रेंड्स आपके फेस में जो रिंकल है वो कम होता है और आप रिंकल को अवॉइड भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज से कैसे पैक बनाया जाता है उसका भी टिप्स फ्रेंड्स मैं अपने चैनल में इससे पहले दे चुकी हूँ। आप उसको देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में जाइए, स्पेशल केयर वन सेफ लिखिए और मेरे चैनल में चले जाइए और चैनल पे जाके जो सर्च बॉक्स आता है वहाँ पे लिखिए रिंकल रिमूव, तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारा ब्यूटी टिप्स मिल जाएगा, फ्रेंड्स उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ आप हर रोज ध्यान पे रखे करते हैं तो फ्रेंड्स आपको रिंकल आएगा भी तो देरी से आएगा, आप रिंकल को अवॉइड कर सकते हैं, आपके फेस में बहुत ही देरी से आएगा और आप बहुत दिन तक जवान रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स इन सभी के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को और भी ज़्यादा दिन तक जवान बना के रखिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देख के और ये सब जानकारी लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिए और आप मेरे साथ आगे भी और भी जुड़े रहना चाहते हैं, आगे और भी मेरे ब्यूटी टिप्स हेल्थ टिप्स पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे वीडियो के नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जब भी मैं कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स लाऊंगी या हेल्थ टिप्स लाऊंगी उसके तुरंत बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अच्छा सा ब्यूटी टिप्स लेके। बाय।